मेरा नाम मुकेश सोनी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शिवनगर कंगनपुर रोड सिरसा से जी, 5 नंबर गली से। क्या पूरा मामला हुआ है आपके भाई के साथ? मामला ये था जी, जैसे सुबह भाई 6:30 बजे घर से निकल गया था बिना कुछ बताए किसी को जी। उसके बाद हम 8 बजे उसको ढूंढने के लिए निकले कि कोई यार दोस्त के पास गया होगा या कहीं और मिल जाए। इसके बाद हमको वो नहीं मिलने के पश्चात फ़ोन आता है पुलिस वालों का कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि पूरा मामला क्या है जी, मेरे को पूरा डिटेल में बता दे। तो उन्होंने बताया कि रेल के आगे आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इसकी जेब से एक पर्ची हमको सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके ऊपर उसने लिखा था कि मेरे मम्मी पापा की इसमें कोई गलती नहीं है, लव यू मम्मी पापा, और 3 जनों के नाम उसके अंदर इसने लिखे। जो लड़की उसने लिखा कि इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसके अंदर आके मैं ये कदम उठा रहा हूँ। फिर हम उसके बाद थाना में पहुँचे जी, वहाँ पे राधेश्याम जी ने हमारी सुनी और रिपोर्ट सारी लिखी। लड़की के उसके पास जी मैसेज आते थे, उसने लड़की को ब्लॉक भी कर दिया था पहले। हमने लड़की को भी समझाने की कोशिश की लेकिन लड़की नहीं मानी। वो अपनी इस जिद पे अड़ रही कि मेरे से शादी करा नहीं तो मैं मर जाऊँगी। और उसके पास उसके घर वालों की तरफ से भी बहुत प्रेशर आया, जिस प्रेशर में आके उसने ये कदम उठाया जी। क्या नाम क्या जी आपके भाई का? सौरभ सोनी नाम था जी। क्या उम्र क्या थी? उम्र 20 साल जी। अच्छा, कब से ये मैसेज का दौर चल रहा था, बातचीत का दौर कब से चल रहा था? ये पहले एक बार 3 महीने पहले उन्होंने मैसेज मुसेज किए थे, तो उसके बाद मेरे भाई ने सब कुछ करना बंद कर दिया था। वो कॉलेज से आता था और मेरे ऑफिस में चला जाता था, बरनाला रोड पर स्थित है मेरा ऑफिस जी। तो उसके बाद लड़की ने बार बार उसको तंग किया इन दिनों में, और लड़की के घर वालों ने तंग किया जिन, उसके बाद उनके प्रेशर में आके उन्होंने हम किसी से शेयर नहीं की और ये कदम उठाया जी। तो आपने समझाने की कोशिश की लड़की और लड़की के घर वालों को? हाँ जी, हमने उनके पास जाके रात को एक रात पहले ही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की एक ही जिद पेड़ी रही कि मैं तो इससे शादी करूँगा, लेकिन मेरा भाई हरदम मना करता रहा कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वो इसलिए टॉर्चर कर रहे थे, शादी का दबाव बना रहे थे? हाँ जी, उनके पूरे घर वाले और वो लड़की उसके ऊपर शादी का दबाव ज़्यादा बना रही थी, जिसके कारण ये घटना हुई जी। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से और सभी से उम्मीद है कि हमको जो भी वो कार्रवाई करेंगे पूरी सोच समझ कर अच्छे से करें और हमको न्याय दिलाएं जी। विनोद सोनी नाम है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटे के साथ जिस तरह का हादसा हुआ जी? हम ये चाहते हैं भी हमारे को न्याय मिले, इसके अंदर जो भी कसूरवार हो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा बेटा तो गया, वो तो दोबारा नहीं आएगा भाई, जो कसूरवार है वो बक्से ना जाए। अच्छा, कल से ये लोग भी फरार हो गए जिन पे केस दर्ज हुआ है? ये रात को फरार हुए हैं जी, कल दिन तक यहीं थे? हाँ, कल दिन में यहीं थे, 12 बजे तक हम यहाँ बाहर बैठे थे, उस टाइम तक यहीं थे, उसके बाद में रात को गए, उसके बाद फरार हो गए जब पता चला मामला पड़ गया है केस दर्ज। हाँ, उसके बाद में फरार हुए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगे आप, जिनकी वजह से आपके घर का चलान चला गया? इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि और किसी का बेटा ना जाए। हमारा तो गया तो गया, और किसी के नुकसान इस तरह का ना हो। यहाँ किराए पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं? हाँ, किराए पर रहते हैं। कल हमने रेलवे विभाग द्वारा एक मेमो जारी हुआ था कि किलोमीटर 229 का साणी फाटे के पास रेलगाड़ी से एक आदमी रनओवर हो गया है, जो रिवाड़ी फाजिल का गाड़ी से गई थी उससे रनओवर हो गया है, जिस पर राधेश्याम सब इंस्पेक्टर ने मौका पर जाकर कार्रवाई की थी। और उस कार्रवाई के दौरान उसको जामा तलाशी से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसने उसमें मृतक का नाम सौरभ लिखा था और उसने अपने माँ बाप का नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे थे, और उसने अपने पड़ोस के 2 जेंट्स है एक लेडीज का नाम लिखा था कि उसने मेरे को टॉर्चर किया है और इस वजह से मैं मर गया। जो मोबाइल नंबर के आधार पर हमने कॉल की थी, जो उसका भाई मुकेश है, उसका बड़ा भाई, उसने मौका पर आकर सौरभ के रूप में शिनाख्त किया था, जो शिव कॉलोनी के बाप का नाम विनोद कुमार है। तो कल उन्होंने बयान दिए थे कि भैया हम कल सोच समझ के बयान अलग से देंगे, तो कल उसका पोस्टमार्टम कराया गया, हमने लाश को वारसन के वादे कर दिया था। तो अब संध्या का मिलेगी इसके? अब उनके वारसान है जो अब फोन आते कि हमारे हैं, जो जैसे भी दरख्वास्त देंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे।